और ये सेकेंड मॉक फॉर्म हो रहा है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और इसमें कम से कम लड़कियों में 10 टीमों ने भाग लिया है और लड़कों में 25 टीमों ने भाग लिया है जी। और जितनी भी लड़कियाँ आई हैं जो सभी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कोई टीम ऐसी नहीं है जिसको हम कमजोर समझते, सेम ऐसे ही लड़कों में दोनों टीमों दोनों तरफ ही टफ कॉम्पिटिशन है। खेला आपने, बहुत अच्छा। आपकी टीम जीती है? हाँ जी सर। और बताइए अपने बारे में, कितने दिन से मेहनत कर रहे थे आप लोग, इस खेल की तैयारी कर रहे थे? सर हम फर्स्ट माकुम से ही इस खेल की तैयारी कर रहे थे जी, पहले जब हुआ था, और अब तक तैयारी चल रही थी हमारी। बहुत टफ कंपटीशन है, जितनी उम्मीद नहीं थी ना, इतने बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जीत। जी सर, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें, लड़के और लड़कियां। 152 बच्चों ने भाग लिया है जी, और इसमें जो बच्चा फर्स्ट आएगा वो हरियाणा राज्य महाकुंभ होगा, उसमें भाग लेगा, और जो यहाँ जो पोजीशन लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको उनका जो प्राइज है वो सभी को साथ साथ दिया जाएगा। सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी जा रही है शेयर और केले, और बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, और कुश्ती में काफ़ी उठाव है रेवाड़ी ज़िले में। ऐसा लग रहा है भविष्य में रेवाड़ी के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है आपको, कौन सी टीम आगे बढ़ सकती है ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी के लिए? हिंदुस्तान के अंदर ओलंपिक में जितने मेडल कुश्ती दे सकती है ना, कोई गेम नहीं। अपने रेवाड़ी ज़िले की बात की जाए तो हमारे रेवाड़ी ज़िले में बहुत टैलेंट है जी। हमारे यहाँ फैसिलिटीज नहीं थी, अब रेसलिंग हॉल बन रहा है, फुल साइज नेट्स आएंगे और कई अखाड़े बन रहे हैं। सरकार की तरफ से खेलों की तरफ पूरा ध्यान, सरकार की तरफ से पूरा ध्यान है खेलों में, ऐसी अमित कोरी और अकेडमी बना दी जाए तो और अच्छा है। जो स्कूलों में अकेडमी बनाई है उसकी बजाय खेल विभाग की, जैसे पहले नर्सरियाँ होती थी ना, वो नर्सरियाँ हो तो और अच्छा जाता है।